डबरा में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सचिन शाक्य नामक युवक की ग्वालियर में दोस्त की बर्थडे पार्टी में दोस्त से हुए विवाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसका शव सिंध नदी में फेंक दिया गया। घटना वाले दिन जब सचिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उसके साथियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मृतक ने साथी ने बताया कि सचिन से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वो मेरा बड़ा भाई सचिन साक है। मैं सचिन साक मुझसे मेरा बड़ा भाई फोन पे बात हुई थी मेरी उससे, तो वो बोल रहा था कि मैं अपने फ्रेंड वीरन परिहार के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। तो बात ये 12 तारीख की शाम को 6 बजे की बात है।